खबर कोटद्वार से, एम्स का ड्रोन पेड़ों में फंसा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश से ड्रोन की मदद से ब्लड व ब्लड कंपोनेंट लेकर उड़ने वाला ड्रोन कोटद्वार बेस अस्पताल से महज 14 किलोमीटर दूर जशोदपुर सिरकुल में हिमगिरी स्टील फैक्ट्री के सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों में जाकर फंस गया। एम्स ऋषिकेश से ब्लड कंपोनेंट लेकर चलने वाला ड्रोन जशोदपुर सिटकुल के पेड़ों में फंसने से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। एम्स प्रशासन का ड्रोन जशोदपुर सिटकुल के पेड़ों में फंसने से एक बड़ी अनहोनी से बच गई। जानमाल व ड्रोन की सुरक्षा के लिए तत्काल जशोदपुर रिपोर्टिंग चौकी टीम व कोटद्वार कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे। ड्रोन का मुख्य भाग ट्रेन की मदद से जमीन पर गिराया गया, जबकि कुछ भाग 70-80 फीट यूकेलिप्टस के पेड़ों पर अटका हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश का ड्रोन कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए ब्लड कंपोनेंट लेकर उड़ा। लगभग 2 बजे जसोदपुर सिटकुल के पेड़ों पर अटक गया। आधुनिक तकनीक से उड़ने वाला ड्रोन कोटद्वार में फंसने पर एम्स प्रशासन ऋषिकेश की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ड्रोन को पुलिस के साथ कब्जे में लिया। कोटद्वार बेस अस्पताल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि एम्स का ड्रोन प्रशिक्षण के तौर कोटद्वार ब्लड कंपोनेंट लेकर आ रहा था, लेकिन आ नहीं पाई। क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? जी हाँ, ये ट्रायल होते रहे हैं और उत्तराखंड में चल भी रहे हैं। हम लोग सब खड़े हुए थे और ट्रायल सक्सेसफुल भी होने वाला था, लेकिन चूंकि सब चीज़ें मशीनरी युग है तो किसी उसके किसी पार्ट में कोई फॉल्ट आया हुआ होगा तो इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है, इसमें पॉइंट्स बने होते हैं, तो वहाँ पे वो लैंड कर गया है। एज़ पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल केम ओवर हियर, टेक्निकल लोग जिन्होंने बताया कि वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है उसकी, तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है वो अभी बात करके उसको प्रोसेस को फिर दोबारा उसमें एक्शन में लाएं, और इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो थिंग इज ऑन एंड दैट। कोटद्वार से कितना किलोमीटर दूर ये जो ड्रोन है उसके जो लैंडिंग? भाई ये तो टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया है, दूरी डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन विद इन कोटद्वार रेंज में है। ये कोई जगह है बाबर बताया था, शायद नाम बताया था, तो उसके आसपास ही है वो लैंड किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको हो सकता है अभी बात करके हमको कोई और इन्फॉर्मेशन दे इन ए मिनट और ए आर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अगेन फिर प्लान करेंगे उसको। तो दोबारा वहाँ से यहाँ के लिए लैंडिंग की जाएगी या वापसी वहीं से फिर एम्स के ड्रेस केस के लिए? नहीं, फिर वहीं से दोबारा से प्लान किया जाएगा एज़ फार एज़ आई थिंक सो, क्योंकि मैं इसका मैकेनिकल मास्टर नहीं हूँ, तो मैं उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितनी मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए कोटद्वार उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।